नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 13 अगस्त शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आजादी के 75वीं स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में 15 अगस्त पर होने वाले जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर झंडारोहण करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह जहाँ राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, तो वहीं जिलों में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किसी भी राज्य में आयोजित सबसे बड़ा ऐतिहासिक खेल आयोजन होगा। 29 अगस्त से शुरू होने वाला यह आयोजन राजस्थान में अभूतपूर्व खेल वातावरण तैयार करेगा। सीएम गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस टूर्नामेंट के लिए राज्य में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग वॉलीबॉल खेल खेले जाएंगे। जेलों की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। कभी मादक पदार्थ अंदर पहुंचाया जाता है तो कभी मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक वस्तु। इन सबको रोकने के लिए भीलवाड़ा जेल प्रशासन ने कदम आगे बढ़ाया है। जेल प्रहरियों की आंखों को धोखा देकर कई बार आपत्तिजनक सामान अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इन सब से निपटने के लिए जेल मुख्यालय ने भीलवाड़ा जिला कारागार में स्कैनर मशीन लगा दी है। यह मशीन जेल में दाखिले के समय वे बाहर जाने वाले बंदियों का सामान इसी मशीन से होकर गुजरेगा। गड़बड़ी करने पर मशीन पकड़ लेगी। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के खास मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक राजस्थान के सभी स्मारक और संग्रहालयों को आम आदमी के लिए फ्री कर दिया है। ऐसे में आज से 15 अगस्त तक आप अपने परिवार के साथ राजस्थान की खूबसूरती को फ्री में निहार सकेंगे। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से भी 15 अगस्त तक सभी स्मारक और संग्रहालयों में जाने वालों के लिए एंट्री फ्री कर दी गई थी। वहीं अब राजस्थान सरकार ने भी इसे प्रदेश के स्मारक और संग्रहालयों पर लागू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के लिए शनिवार को जगतपुरा स्थित ऑफिसर्स क्लब में प्रभात फेरी एवं साइकिल रैली का आयोजन किया। इस प्रभात फेरी तथा साइकिल रैली में महाप्रबंधक विजय शर्मा, अपर महाप्रबंधक गौतम अरोड़ा, प्रमुख विभागाध्यक्ष, महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष नीता शर्मा सहित रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन भी मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। 12वीं आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाते हुए 12वीं व्यापार महासंघ ने शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें शहर के कई निजी स्कूलों के बच्चों के साथ शहर के व्यापारी, सामाजिक और धार्मिक संगठनों सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। व्यापार महासंघ अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर 12 व्यापार महासंघ की ओर से शहर के सभी व्यापारिक संगठनों को साथ लेकर विराट तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, व्यापारी और शहरवासी तिरंगा लेकर शामिल हुए। आपकी लापरवाही से सरकार की बदनामी होती है। आप लोग जितनी तनख्वाह लेते हैं तो उतना तो काम करके दिखाओ। लंपी डिजीज की रोकथाम में लापरवाही नजर आने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने शुक्रवार को सीकर में पशुपालन व कृषि विभाग के अधिकारियों की इसी अंदाज में क्लास ली। बैठक में फतेहपुर विधायक हाकम अली, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार और सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम जला हुआ मिला। इसमें 10 अगस्त को 16 लाख रुपए कैश डाले गए थे। शुक्रवार शाम जब पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी एटीएम मशीनों को चेक कर रहे थे तो उन्हें इस घटना का पता लगा। मशीन में जब कैश को देखा गया तो उसमें सारा कैश गायब था, जिसके बाद मथुरा गेट थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है, जिससे पता लग सके कि एटीएम मशीन में कैसे आग लगी। यह एटीएम मशीन अचनेरा रोड पर यूआईटी परिसर में लगी हुई है। रक्षाबंधन त्योहार होने के कारण मशीन में 10 अगस्त को उत्तराशी डाली गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे किसान अब 15 अगस्त तक ई केवाईसी करा सकेंगे। ई केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किश्त नहीं मिल पाएगी।
जिले में 64% किसान ई KYC करवा चुके हैं। ई KYC के लिए किसान अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मंगाकर खुद से या ई मित्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन करा यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिले में पंजीकृत 2,63,861 किसानों में से 1,68,187 किसान ई KYC पूरी करवा चुके हैं। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर का 7वां दीक्षांत समारोह 16 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। समारोह में 1,283 छात्रों को डिग्रियां बांटी जाएंगी। 116 छात्रों को PhD डिग्री और विभिन्न विषयों में सबसे ज्यादा CGPA स्कोर करने वाले 82 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर आनंद भाले राव के अनुसार समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन करेंगे। कोरोना के चलते पिछले साल भी दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हो पाया था। यूनिवर्सिटी अगले सेशन से 5 तरह के विशेष कोर्स शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। इनमें मेडिकल क्षेत्र में BSc, MSc से लेकर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स जैसे कोर्स शामिल होंगे। राजस्थान के जयपुर जिले में हाथी गांव में शुक्रवार को विश्व हाथी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान हाथियों से ही केक कटवाकर उन्हें खिलाया गया। महावतों समेत अन्य वक्ताओं ने हाथियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष और महावत बल्लू खान ने कहा कि हाथी धरती पर पाया जाने वाला विशाल प्राणी है, जो राजसी ठाट बाट का प्रतीक है। हाथियों के संरक्षण के लिए बनाए गए इस गांव में 60 से अधिक परिवार रहते हैं, जिनके पास यहां रहने वाले हाथियों के सार संभाल की जिम्मेदारी है। महावत लतीफ आलम ने बताया कि वह हाथियों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही पालते पोसते हैं और उनके खाने पीने से लेकर तमाम जरूरतों का ख्याल रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरबेस पर हल्की बारिश के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कुछ चुनिंदा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरबेस पर राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद वे सालवा कलां गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पिलार बालाजी में वे तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कर सालवा कलां पहुंचे। सालवा कलां में मारवाड़ के इतिहास में सालवा कलां निवासी वीर दुर्गादास की अहम भूमिका मानी जाती है। नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने आवेदन मांगे हैं। RUHS से संबंधित प्रदेश के सभी राजकीय SSS और प्राइवेट नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। अभ्यर्थी 6 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद RUHS की ओर से प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को इन पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कर प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोचिंग संचालक ने ही अपनी कोचिंग में तैयारी कर रहे एक युवक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी युवक की नौकरी नहीं लगी, न ही कोचिंग संचालक ने युवक को पैसे लौटाए हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थोई इलाके के रहने वाले जितेंद्र ने इस रगासे से रिपोर्ट देकर बताया कि वह श्री माधोपुर में एक प्राइवेट कोचिंग में राजस्थान पुलिस की तैयारी करता था। कोचिंग के प्रकाश चंद ने उसे 5 लाख रुपए में राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने का वादा किया, परंतु उसने न तो नौकरी लगवाई और न ही रुपए लौटाए। बीकानेर जिले के खाजूवाला में शनिवार को आजादी की गौरव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में निकली इस यात्रा के दौरान कई किलोमीटर पैदल चलकर राष्ट्रीयता जागृत करने का प्रयास किया गया। हाथ में तिरंगा और DJ पर देशभक्ति के गीतों के बीच गोविंद राम मेघवाल सबसे आगे चल रहे थे। करीब 30 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जा रही है। इसमें 100 से ज्यादा वाहन भी शामिल हैं। तिरंगा लिए युवा खाजूवाला से पूगल की ओर निकले। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगर राम गेदर भी यात्रा में शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।